बीआरडी में दुबे परिवार का आखिरी चिराग अनमोल जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है और सारी कहानी आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता हैं। लगातार तमाम नेता उस छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे से मिलने आ रहे हैं, उसका हाल चाल पूछने आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त विनय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। ये पूरी घटना आपके संज्ञान में है सर, क्या कहेंगे इस घटना पर? देखिए, ये पूरी घटना शुद्ध रूप से शासन और प्रशासन की लापरवाही की देन है। अगर जब वहाँ पे जमीनी विवाद था तो शासन को वहाँ पे एहतियात में कदम उठाना चाहिए था। दुबे परिवार जिसकी कोई गलती नहीं थी और जिसकी पूरी निर्मम हत्या करके और पूरे परिवार को समाप्त कर किया गया है, ये केवल और केवल प्रशासन और शासन की लापरवाही और अनदेखी की वजह से हुआ है। अगर प्रशासन चाहा होता तो आज ये दुखद घटना हमारे सामने नहीं होती। हम आपके माध्यम से प्रशासन से, शासन से इस बात की मांग करते हैं कि प्रशासन इसमें कठोर कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं दुबे परिवार की निर्मम हत्या में, जो लोग भी दोषी हैं उनको सरकार उचित कानूनी कार्रवाई करे और दुबे परिवार का जो चिराग बचा हुआ है इसको कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जिससे ये अपना जीवन, बच्चा आगे का जीवन निर्वाह कर सके और बच्चे की सुरक्षा भी निश्चित की जाए और इसका एक भाई और बचा हुआ है उसकी भी, जो पूजा पाठ करता है उसकी भी सुरक्षा सरकार करे और तत्काल रूप से इनको मुआवजा जरूर दिया जाए, क्योंकि परिवार गरीब है और गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, तो सरकार को चाहिए कम से कम उनको मुआवजा जरूर दे। विधायक जी, यहाँ पे दो एंगल सामने आ रहे हैं। एक एंगल पे चर्चा हर कोई कर रहा है, हर कोई इस बात को कह रहा है कि उन लोग, मतलब कि 5 लोगों की हत्या दूसरे पक्ष द्वारा कर दी गई, लेकिन वहाँ पे जो अभी आपने कहा भी कि शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्या शासन प्रशासन सिर्फ जिम्मेदार है और क्या सस्पेंड कर देने से, किसी का निलंबन कर देने से उन लोगों का अपराध छुप जाएगा? क्या वो लोग इनडायरेक्टली इस हत्या में शामिल नहीं है? नहीं, हमने कहा ना प्रशासन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? मैंने ये कहीं ना कहीं से प्रशासन से मिली भगत है। अगर प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद रहता तो ये घटना नहीं घटती। अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो दुबे ने, परिवार ने कुछ किया नहीं। और हम ये भी मांग करते हैं कि वास्तविक हत्यारा है कौन, क्योंकि वो दुबे परिवार अगर कोई हत्या करता तो अपने घर पे नहीं बैठा होता, हत्यारा अपने घर पे नहीं बैठता है। दुबे तो बेचारे अपने घर पे बैठे हुए थे और दूसरे लोगों ने, जब समूह ने आके उनकी हत्या किया, सामूहिक नरसंहार किया, तो ये घटना अगर कोई मारेगा तो वो अपने घर पे नहीं बैठेगा। तो वो जो जिला पंचायत सदस्य की हत्या हुई है उसके हत्यारे का भी पता करना चाहिए, क्योंकि उसका हत्यारा कोई और है और इसके कहीं और पर प्रशासन डाइवर्ट कर रहा है और लोगों की जो सोच है, निगाह है, उसको बदलने का कार्य कर रहा है प्रशासन। कल मेरी डीएम साहब से, देवरिया के डीएम से बात हो रही है और वो सीधे इस बात से मना कर रहे हैं कि जमीनी विवाद था ही नहीं। भाई, मना करने से कैसे हो जाएगा? जब सामने आपके दिखाई दे रहा है तो हमारे आपके मना करने से कैसे हो जाएगा? जब वो 3 भाई होते हैं, 1 भाई यहाँ से चले जाते हैं, 2 भाई का झगड़ा होता है और जो जिला पंचायत सदस्य मारे जाते हैं उनसे उनकी अदावत होती है और जिला पंचायत सदस्य उधर से जा रहे होते हैं, तो उन सबसे बड़ी ये भी जाँच का विषय है कि जिला पंचायत सदस्य को किसने मारा। अगर दुबे परिवार ने मारा होता या दुबे ने मारा होता तो कम से कम वो अपने घर पे, कोई हत्या करके अपने घर पे नहीं बैठता, आज तक ऐसा कहीं मिला नहीं है। लेकिन वो हत्या करने के बाद घर पे रहे और तो ये संदेहास्पद है और ऐसा उन्होंने किया नहीं, किया किसी और ने। और प्रशासन इसको अपने सर से इल्ज़ाम को हटाने के लिए ये कार्रवाई करने जा रहा है। तो सब मिला जुला कर इस हत्याकांड को लेकर तमाम सवाल खड़ा हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पे विधायक जी भी मौजूद हैं और तमाम नेता इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे वो उस पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, राजनीति इस मामले में नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि इस मामले में दोषी सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने हत्या किया है, वो तमाम लोग भी दोषी हैं जो यह घटना जानने के बाद भी कि ऐसी कुछ हो सकती है, क्योंकि अब तमाम अखबार ये बता रहे हैं, अखबार के पन्ने बता रहे हैं कि सत्यप्रकाश दुबे ने पहले ही तहरीर दी थी कि जो दूसरा पक्ष है उससे हमारे जान माल को खतरा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लापरवाही बरती गई, राजस्व विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई, सालों साल का मामला था, तो क्या इन लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास मैं तो कर रहा हूँ, साथ साथ हो सके तो आप भी कीजिएगा और हो सके तो जातियों को हटाकर इस नरसंहार को देखिएगा।
वो बच्चा तड़प रहा है, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है, और इस तरह का कृत्य करने वाला किसी का सगा नहीं हो सकता है। बाकी प्रयास रहेगा कि इस मामले में बाकी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।